हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छी होंगी। तो आज मैं जिग जॉग पायदान बनाना बताऊंगी। एक नए मॉडल का पायदान है, बहुत प्यारा ये पायदान बन के तैयार होगा। दो कलर से मैं बना के दिखाऊंगी, बहुत सुंदर बनने वाला है। तो देखिए, इसको बनाने के लिए यहाँ पे मैं डालूंगी 30 फंदे। 30 फंदे डाल लेना है। 30 फंदे में काफी बड़ा बन के तैयार होगा और 3 के मल्टीपल में फंदे डालने हैं। तो इस तरह से ऐसे फंदे आपको डाल लेने होंगे। ऐसे देखिए, इस तरह से बहुत आसान तरीका है ऐसे फंदे डालने का। देखिए, ऐसे फंदे डाल लेंगे। और फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और मेरा एक और चैनल है नारी जीवन, उस पर मैं स्वेटर का डिजाइन और मोजे सॉक्स डालना बताती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा फेसबुक पेज भी है नारी जीवन नाम से, तो प्लीज आप लोग उसको भी फॉलो कीजिएगा। तो इस तरह से ऐसे फंदे डाल लेंगे। देखिए कितना आसान है फंदे डालने का तरीका। तो देखिए, एक सिलाई पहले उल्टा ऐसे बुन लेंगे, एकदम ढीले हाथों से बुनेंगे, टाइट हाथों से नहीं, एकदम आराम से ऐसे बुनते हुए जाना है। एक सिलाई देखिए, ऐसे आराम से बुनते हुए एक सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। ढीले हाथों से ही बुनना है, कस कस के, मतलब खींच कर नहीं बुनना है इसको। तो पूरी सिलाई ऐसे बुन लेंगे। इस तरह से फंदा कोई भी डाल सकता है। देखिए, एक सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब देखिए, उल्टा साइड से, मतलब ये डिजाइन स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से पहले ऐसे इसमें बुनेंगे 18 फंदे। 1 2 3 4 5 6, मतलब कि यहाँ पे 12 फंदे छोड़ देंगे और 18 फंदे बुन लेंगे। तो देखिए, यहाँ 12 फंदे रहने तक मैं बुन के फिर आपको दिखा रही हूँ। और देखिए, जब पट्टी छोटी पड़ जाती है यहाँ पे, तो क्या करना है, ऐसे इस तरह से आप इसको, सुई धागे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसे इस तरह से करके, ऐसे यहाँ पे ऐसे करके बुन सकती हैं। ठीक है, ऐसे मैं बनाती हूँ। तो इस तरह से ऐसे बना लेना है, खुलेगा भी नहीं इस तरह से, बहुत अच्छा से ऐसे बन भी जाता है, टाइम भी मतलब कम लगता है, नहीं तो सुई धागा सिलने में टाइम लग जाता है सुई से अगर सिलेंगी तो। अब देखिए, यहाँ पे 18 फंदे हो गए। 3 को 3, 6 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 18 फंदे हो गए। अब उसके बाद यहाँ कलर, दूसरा कलर एक लगाएंगे इसमें। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लगा लेंगे दूसरा कलर और 6 फंदे बुनेंगे और धागे को ऐसे फंसा के इधर फिर लेते जाएंगे येल्लो वाला फंदा। तो 6 फंदे बुनेंगे ब्लैक से, 1 2 3 4, 5, देखिए धागे को ऐसे उठा ले जाना है इधर, 1 6, 6 फंदे, अब 3 6 फंदे। ठीक है, अब फिर 3 फंदे बुनेंगे येल्लो से और हर बार 3 3 फंदा इधर छोड़ते जाएंगे, इधर 3 3 फंदा छोड़ते जाएंगे और इधर 3 3 फंदाएं फिर ब्लैक से बुनते जाएंगे। तो देखिए कैसे, देखिए यहाँ 3 फंदे बुनेंगे येल्लो से, 1 2 3, 3 फंदे बुन लेंगे। ठीक है, अब यहीं से देखिए घूम जाएंगे, 3 फंदे इधर छोड़ने हैं हर बार, ये ध्यान रखिएगा। फिर धागे मतलब पट्टी को पीछे ही करेंगे। अब देखिए, इस पट्टी को आगे लाएंगे, येल्लो वाला, येल्लो वाला फंदा येल्लो वाले से बुनेंगे। जिस कलर का फंदा है, राइट साइड है, तो जिस कलर का फंदा है उसी कलर के फंदे से राइट साइड बुनते जाना है। इसमें कुछ भी नहीं करना, राइट साइड से डिजाइन सिर्फ डालना है आपको रॉन्ग साइड से, और सीधा साइड से, राइट साइड से कुछ नहीं करना। जिस कलर का फंदा है उसी कलर की पट्टी से बुन लेना है। और देखिए, जो येलो कलर वाली पट्टी है ना, इस तरह से इसको ऐसे फंसा के इधर लाएंगे, क्योंकि इधर फिर बनाना रहेगा ना, तो ऐसे पीछे फंसाते जाएंगे। तो देखिए ऐसे बुन लेंगे। तो अच्छा, ये ध्यान रखना है, ब्लैक वाली जो ये है फंदे, तो ब्लैक वाले फंदे हमेशा 6 फंदे रहने चाहिए, यही आपको ध्यान रखना है। इसको 6 फंदे मतलब इसको रखना है। ठीक है, देखिए येल्लो वाली पट्टी फिर आगे लाएंगे
और पूरी सिलाई जो येलो कलर इधर पूरा है फंदा, तो येलो कलर से बुन लेंगे, ऐसे उल्टा उल्टा ही बुनना है दोनों साइड से, तो ऐसे बुन लेना है। अब उल्टा साइड फिर आ जाइए, फिर पहला फंदा स्लिप कर लीजिए, पहला फंदा हर बार ऐसे स्लिप कर लेना है। और देखिए इधर फिर बुनेंगे, यहाँ पे 18 फंदे थे तो इस बार अब 15 फंदे बुनेंगे, ठीक है। तो ऐसे बुनेंगे, और देखिए मैं 6 नंबर की सिलाई से बना रही हूँ, मोटी सिलाई है तो 6 नंबर की सिलाई से अच्छे से बनता है, तो 6 नंबर की सिलाई से मैं बना रही हूँ। तो ऐसे 15 फंदे बुनेंगे, देखिए 15 फंदे हो गए 15, और 3 फंदे येल्लो यहाँ पे बचे हैं ना, तो इसको ब्लैक से बुना लेना है 3 फंदे, 1, 2 और 3, 3 फंदे ऐसे ब्लैक से बुनेंगे। अब देखिए फिर इसमें के 3 फंदे बुनेंगे, इसमें के 3 फंदे, और ये 3 फंदे जो हैं ये येल्लो से बुने जाएंगे, ठीक है। इस फंदे को येल्लो से बुनना है, ये ध्यान रखना है, ब्लैक वाला फंदा हर बार 6 फंदा मतलब कि रहना चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 6, 6 फंदे, ठीक है। और फिर इसको बुनेंगे ब्लैक से, येलो से, 1, 2, 3, 3 फंदे ब्लैक से ऐसे बुनेंगे। अब देखिए फिर 3 फंदे यहाँ पे छोड़ देंगे, अगली बार फिर इसमें 3 फंदे येलो से बुनेंगे, फिर 3 फंदा इसको छोड़ेंगे, हर बार तीन तीन, देखिए 3 फंदा उस बार छोड़े थे, फिर 3 फंदा छोड़ देंगे, और यहाँ पे 3 फंदे येलो से बुनेंगे, अब यहीं से घूम जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 6 फंदे हो गए ना। अब फिर जिस कलर का फंदा है उसी कलर की पट्टी से बुन लेना है, इसमें कुछ नहीं करना है, राइट साइड से कुछ नहीं आपको करना, जिस कलर की पट्टी है उसी कलर, जिस कलर का फंदा है उसी कलर की पट्टी से बुनेंगे। सिर्फ यही ध्यान रखना है, ये ब्लैक वाला जो फंदा है हर बार 6 फंदा इसको बनाना रहेगा, ऐसे देखिए 6 फंदे, 6 फंदे हो गए ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 फंदे हैं। फिर येल्लो वाली पट्टी आगे लाएंगे, ऐसे देखिए मैं पीछे फंसाना भूल गई, हर बार आप फंसाएंगी तो यहाँ पे बड़ा फंदा नहीं आएगा, तो ऐसे इसको बुन लेना है पूरी ऐसे यहाँ तक। देखिए फिर से आ जाइए उल्टा साइड, तो पहला फंदा ऐसे उतार लीजिए, और उसके बाद देखिए फिर यहाँ पे 3 फंदे फिर कम बुनेंगे, 15 बुने थे, 3 कम बुनेंगे, फिर 12 फंदे, 12 फंदे ही बुनने हैं, ठीक है, क्योंकि पट्टी छोटी हो गई, ऐसे करके एक दो तीन इधर फंदे कम होते जा रहे हैं, और येल्लो वाले फंदे ब्लैक से बुनते जाएंगे, ठीक है। ऐसे इसको ऐसे क्रॉस कर देंगे, यहाँ गैपिंग नहीं होता है, और ये वाले ब्लैक वाले जो फंदे हैं ये येल्लो बनते जा रहे हैं इधर, ठीक है। तो 6 फंदे बुनेंगे, तो 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 6 फंदे बना लिए, हर बार 6 फंदे येल्लो से बनाने हैं, ये ध्यान रखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे 1, 2, 3, ये देखिए ब्लैक वाला फंदा हर बार 3 फंदा येल्लो से यहाँ पे बुना जाएगा, तभी उसके बाद देखिए उस बार येल्लो वाला ब्लैक वाला फंदा येल्लो से बुनी थी 3 फंदे, तो फिर इस 3 फंदे को ऐसे यहाँ पर छोड़ देंगे, देखिए ऐसे, देखिए करते हुए यहाँ पे 9 फंदे हो गए। अब फिर राइट साइड जिस कलर का जो फंदा है उसी कलर की पट्टी से बुनते जाना है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। ऐसे पट्टी को क्रॉस करके करना है, नहीं तो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब होल हो जाता है गैपिंग, तो ऐसे अच्छे से देखिए इस तरह से ऐसे पट्टी को फंसाते जाइए येल्लो वाली, तो बड़ा बड़ा फंदा पीछे नहीं होता है इस तरह से। तो 6 फंदे हैं ऐसे बोलेंगे, और फिर देखिए येल्लो वाला फंदा फिर आ गया, तो येल्लो वाली पट्टी से फिर से इधर यहाँ तक बना लेंगे।
फिर उल्टा साइड आ जाइए, अब फिर देखिए यहाँ पे 12 फंदे थे, अब फिर 9 फंदे, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9, 9 फंदे ऐसे बुनेंगे, 9 फंदे बुनेंगे। और फिर 3 फंदे देखिए यहाँ पे बचे हैं येल्लो से, तो 3 फंदे येल्लो से बचे हैं तो फिर ब्लैक से बना लेंगे, 1 2 3, 3 फंदे, और फिर 3 फंदे इसमें के लेंगे, 3 4 5 6, 6 फंदे ब्लैक से हर बार होने चाहिए, यही ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो 6 फंदे यहाँ पे हो गए, और फिर देखिए येल्लो से फिर यहाँ पे जो 3 फंदे ब्लैक है ना, तो येल्लो से बना लेना है, 1 2 3, और फिर 3 फंदे छोड़ देंगे, 3 फंदे छोड़ देंगे और यहीं से फिर से वापस आ जाएंगे ऐसे राइट साइड। राइट साइड जिस कलर का जो फंदा है उसी कलर से बना लेना है। तीन फंदे, फिर देखिए फिर ब्लैक वाला आ गया, तो ब्लैक कलर जिस कलर का फंदा है राइट साइड है उसी कलर की पट्टी से बना लेना है इधर इधर, ठीक है। ब्लैक वाला ब्लैक से और येल्लो वाला येल्लो से, और फिर देखिए यहाँ पे फिर अब 6 फंदे सिर्फ बुनेंगे, ठीक है, 2 3 4 5 6, 6 फंदे, अब येल्लो वाले 3 फंदे फिर ब्लैक से बुनेंगे ऐसे, 1 2 3, 3 फंदे और 3 फंदे इसमें के ले लेंगे, 3 4 5 1 6। अब देखिए 3 फंदे जो ब्लैक बचे हैं ना, इन 3 फंदों को येल्लो से बुनेंगे, 1 2 3, 3 फंदे बुन लेंगे और यहाँ पे फिर 3 फंदे छोड़ देंगे, और फिर यहीं वापस वापस आ जाएंगे राइट साइड। तो राइट साइड देखिए जिस कलर का फंदा है उसी कलर से बनाते जाना है, राइट साइड कुछ भी नहीं करना है, जिस कलर का फंदा है उसी कलर से बनाना है ऐसे। देखिए कितना प्यारा सा ये बन रहा है। अब फिर से उल्टा साइड आ जाइए, तो यहाँ पे अब 3 फंदे सिर्फ बुनेंगे, 1 2 3, 3 फंदे बुनेंगे, सारे फंदे देखिए अभी खत्म हो जाएंगे, उसके बाद 3 फंदे बुनेंगे और उसके बाद देखिए फिर 3 फंदे से बुनेंगे, येल्लो वाले फंदे फिर ब्लैक से बुनेंगे, 3 1 2 3, 3 फंदे हो गए ना, अब फिर 3 फंदे इसमें के, 6 फंदे ये ध्यान रखना, 6 फंदे ब्लैक से रहने चाहिए, और 1 2, इन 3 फंदों को येल्लो से बुन लेंगे, इससे बुनेंगे ऐसे, 3 फंदे फिर यहाँ से येल्लो से बना लेंगे, फिर इधर 3 फंदे फिर से छोड़ देंगे और फिर आ जाएंगे राइट साइड। राइट साइड आ जाएंगे, जिस कलर का फंदा है उस कलर की पट्टी से बुन लेना है। ब्लैक वाला ब्लैक से और येल्लो वाला येल्लो से ऐसे बुन लेंगे, अब देखिए यहाँ पे 3 फंदे ही रह गए हैं, तो इन 3 फंदों को अब फिर से अब ब्लैक बना लेंगे, ब्लैक से बुन लेंगे, तीन तीन फंदे और 3 ए, छह फंदे मतलब बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इन 3 फंदों को बुनेंगे येल्लो, येल्लो से बुनिए, इन 3 फंदों को छोड़ देंगे, अब फिर से वापस जिस कलर का जो फंदा है
उसी कलर की पट्टी से बना लेना है। राइट साइड आ गए। जिस कलर का फंदा है उसी कलर की पट्टी से बुन लेना है। देखिए इसी तरह से ऐसे बन के तैयार हो गया। इस तरह से ना सिलाई छोटा है इसलिए मतलब इसमें अच्छे से नहीं दिख रहा। अब फिर देखिए क्या करना है। अब उल्टा साइड से पूरी सिलाई येलो कलर के धागे से बना लेना है। येलो वाली पट्टी से पूरी सिलाई बुन लेंगे। अब डिजाइन डालना नहीं है, डिजाइन कंप्लीट हो गया है तो पूरी सिलाई येलो वाली पट्टी से बना लेंगे ऐसे। अब देखिए सीधा साइड आ जाइए तो सीधा साइड भी एक सिलाई ऐसे उल्टा उल्टा ही बना लेना। पूरी सिलाई ऐसे उल्टा बना लेंगे, पूरी लाइन को ऐसे बना लेना है। देखिए इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड अभी एक कली बन के तैयार हुई है। तो ऐसे ही आपको ऐसे कलियां बनाते हुए जाना है। ऐसे सर्कल में आएगा फिर यहाँ पे लाकर सिलाई कर देनी है। इसे गोलाई में मतलब कि बनेगा। देखिए कितना खूबसूरत ये डिजाइन लग रहा है। फिर जैसे फर्स्ट रो बुने थे ना राइट साइड से, फिर रॉन्ग साइड से फिर वैसे ही बनाना है। मतलब कि 18 फंदे येल्लो से बना लेने हैं ऐसे येल्लो कलर के धागे से। 18 फंदे बनाएंगे, उसके बाद 6 फंदे इस कलर से ब्लैक वाले, ब्लैक वाला ऐसे फंदा इधर लेते जाएंगे। तो एक बार ऐसे बता दे रही हूँ थोड़ा सा। देखिए 18 फंदे इधर ऐसे बना लेंगे, फिर 6 फंदा ऐसे ब्लैक कलर से। जैसे शुरुआत किए थे डिजाइन वैसे फिर ऐसे शुरू करना है। ऐसे आपको कलियां बनाते जाना है। तो 6 फंदे ऐसे इस कलर से बनाएंगे। तो अभी ऊपर बना के फिर मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 फंदे हो गए, 6 फंदे। फिर 3 फंदे बुनेंगे येल्लो से ऐसे, और हर बार तीन तीन फंदा ऐसे छोड़ते जाना है। तो ऐसे ही कलियां आपको बनाते जाना। राइट साइड तो कुछ भी नहीं करना, जिस कलर का फंदा है उसी कलर से बुनते जाएंगे ऐसे। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से ऐसे मैं 2 कलियां सिर्फ इसमें बनाई हूँ, और इसी तरह से आपको सर्कल में बनाते हुए जाना है। तो बहुत ब्यूटीफुल देखिए जिग जा के पैर पोछना बन के तैयार हो जाएगा। कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।